तो गाइस आज हम आपको फोर एंड फोर इन एंड फोर ऑफ लूप के बारे में बता रहे हैं। देखो फोर इन एंड फोर ऑफ लूप कुछ भी नहीं है, बट यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फोर ऑफ बेसिक आप सिंपल भाषा में समझोगे, फोर इन एक इंडेक्स को रिटर्न करता है एरे ऑफ या किसी भी इंडेक्स को, और फोर ऑफ एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हम जैसे यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लिया और उसको हमने नाम दे दिया एरे, और ये एरे में हमने वैल्यू लिख ली लाइक कश्यप टाइम एंड थर्ड नेम इज। तो ये हमने नेम एक एरे डिफाइन कर दिया। अब अपने इसमें फोर इन और फोर ऑफ अप्लाई करना है, तो हम एक फोर लूप बनाते हैं। और फोर इसमें हम एक मोस्ट, और पहले हमें फोर इन के बारे में बता देते हैं। फोर इन इंडेक्स, एक इंडेक्स रिटर्न करता है एक एरे एरे से, ठीक है। अभी हमने इसको कंट्रोल कर दिया लॉग, और यहाँ पर इसको रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर ये इस जो भी इंडेक्स पर है ये 1012, तो ये 012 रिटर्न यहाँ पर कर दिया। नोड फोर इन एंड फोर ऑफ, ये एरर रिटर्न करना आई मतलब ये सॉरी आई नहीं, यहाँ पे इंडेक्स लिखना है। ये आप मिस्टेक कर सकते हो, ये नहीं कर रहा। अब ये 012 रिटर्न कर दिया। और फोर ऑफ में और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हम इनकी जगह ऑफ कर देते हैं, और हमारे अब वैल्यू वैल्यू रिटर्न करनी है। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं एरे में से, अभी वैल्यू रिटर्न करेगा, हम चेंज कर देते वैल्यू। अब ये वैल्यू रिटर्न करेगा फोर ऑफ लूप, यहाँ पे इसको रन कर देते हैं, और ये सारे इसने नेम प्रिंट कर दिए शब्द डाइन स्वेस। तो यही फोर इन एंड फोर ऑफ लूप है, हम यहाँ से समझ लेते हैं। ये फोर इन और फोर ऑफ स्टेटमेंट इटरेट ओवर सकती है। मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज व्हाट द इटरेट ओवर, ये ओवर इटरेट करता है। फोर इन स्टेटमेंट इटरेट ओवर न्यूमेरिक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल द फोर ऑफ स्टेटमेंट इटरेट ओवर वैल्यू दैट इटरेट ऑब्जेक्ट डिफाइंड टू बी इटरेट ओवर। सिंपल भाषा में हम समझते हैं, यह एक किसी भी एरे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है, और फोर ऑफ